मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आज लाइव इसलिए आया हूं कि पिछले 4-5 दिनों से, जब से ये रिजल्ट आया पिछले 3-4 दिनों से, फेसबुक पे बड़ा गहमागहमी चला रखी है कि रैंकर है, टॉप रैंकर जो भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये किसके हैं, किसके नहीं, किसके नहीं। इस समय ये गंदपना मच चुका है इस मार्केट में ना, कि ये टॉप रैंकर हमारा है, फलाना है, दिखड़ा है। बच्चों, आप लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इन चीजों पे ध्यान नहीं दो। और मेरी उन इंस्टीट्यूट ओनर से और इंस्टीट्यूट वालों से सबसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इन सारी चीजों में शामिल नहीं किया जाए। हम ये चीज क्यों नहीं डालते फेसबुक पे कि ये बच्चे हमारी वजह से हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़े, लेकिन हमारी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे यहाँ पढ़ने के बावजूद भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हम क्यों टॉप रैंकर के पीछे भागने लग रहे हैं? वो टॉप रैंकर जो बना है, वो बच्चा अपनी मेहनत से बना हुआ है, अपने गट से बना हुआ है। जिस बच्चे ने मुखर्जी नगर में रहा, 4-5 महीने रहा, उसने मेहनत की, बढ़िया से मेहनत की, किस माहौल में वो रहा, किस परिस्थितियों से वो आया। एक बैच में 2-2, 3-3 हजार बच्चे बैठे हैं, कोई उनमें सिर्फ इंस्पेक्टर बनता है, कोई उसमें टॉप टेन रैंक में आ जाता है, तो उसका सारा क्रेडिट उस स्टूडेंट का है, हमारा कोई क्रेडिट नहीं उसमें। हम तो सभी को एक जैसा पढ़ाने लग रहे हैं। कोई उसमें फेल भी हो जाता है, कोई उसमें रैंक कर भी आ जाता है। तो हमारा ध्यान इस समय इस चीज पे होना चाहिए कि कितने बच्चे फेल हो गए हमारे पास पढ़ते हुए, फेल हो गए यानी हमारी टीचिंग में, हमारे कहीं मैनेजमेंट में, चीजों में कहां दिक्कत है। हम रो रहे हैं आज कहां पे कि टॉप रैंकर हमारे हैं जी, हमारे हैं। अरे बच्चों, थोड़े बहुत नहीं, लाखों रुपए, और लाखों में भी बहुत बड़ी संख्या है। वहां पे चीजें खरीदी जा रही हैं रैंक, और ये इसी साल से नहीं खरीदा जा रहा है, ये हमेशा से खरीदा जा रहा है। इस गंदपने को इतना बड़े लेवल पे फैला दिया गया है कि अगर आप नंबर वन रैंक भी ले आए ना, तो कोई आपको विश्वास नहीं करेगा। और आपने खुद आके कह दिया कि मैं किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूं और मैं वहां से, इसलिए मेरा नंबर वन रैंक आया उनका, तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। इस समय मार्केट को इस लेवल पे गंदा कर दिया गया है कि आप किसी भी रैंक पे आए हो, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। आप ये बोलेंगे कि मैं लाल किताब से पढ़ा हूं, तो भी उसका मतलब यही है कि आप नहीं पढ़े, आप झूठ बोलने लग रहे हैं। आप पीली किताब, सफेद किताब, किसी किताब से भी पढ़े हैं, नीली किताब से, तो इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं। मार्केट को इस लेवल पे गंदा कर दिया गया है यहाँ पे कि वहां पे आपकी क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। मेरा मानना यह है कि हम सिर्फ इस बात पे ध्यान दें कि कितने बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए भी फेल होने लग रहे हैं। हम टॉप वन रैंक, टू रैंक, थ्री रैंक, फोर रैंक और ये टॉप टेन रैंक के चक्कर में कितने लाखों रुपए खराब कर रहे हैं, कितना टाइम खराब कर रहे हैं, कितना मैनेजमेंट खराब कर रहे हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि हम ये शो करें बच्चों को कि ये रैंक हमारे यहां है। बच्चों, बहुत सारी चीजें यहां पे खरीदी जा रही हैं, बहुत सारी चीजें खरीदी जा रही हैं, बहुत सारी चीजें जेन्युइन भी है, बहुत सारी खरीदी जा रही हैं। आप देखेंगे कि एक ही बच्चे का फोटो 50 इंस्टीट्यूट में लगा हुआ मुखर्जी नगर में, हर जगह बिक के आता है वो, और उसमें दिक्कत नहीं। मुझे उसमें कोई उससे पर्सनल एतराज नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को कैसे गलत ठहराऊं कि वो क्यों बिक रहा है। बच्चों, जब वो आया होगा बिहार से या हरियाणा से या यूपी से या दिल्ली में कहीं किसी इलाके से यहाँ पे रहने आया होगा, तो किसी इंस्टीट्यूट ने उसको फ्री में एडमिशन नहीं दिया, कोई उसके साथ फीस में रिबेट नहीं की गई। जब सूरज चमक जाता है तो सब कहते हैं कि अब हम रिबेट देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। और मेरा किसी के ऊपर पर्सनल यहाँ पे वो सवाल नहीं है, मेरा सवाल आप सारे बच्चों से है कि जब वो बच्चा यहाँ पे आता है तो बड़ी मुश्किल परिस्थितियों से यहाँ आता है। बच्चे यहाँ पे 800-800 हजार किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, साउथ से जो बच्चे आने लग रहे हैं, तो वो बच्चे किन बुरी परिस्थितियों से यहाँ पे आने लग रहे हैं और यहाँ आके किस माहौल में रह रहे हैं। वो एक पीजी में रह रहे होंगे जो 4x8x10 का कमरा होगा, या ऐसा कोई बेड होगा वहां पे वो रह रहे होंगे, मतलब अनहाइजेनिक वो खाना खा रहे होंगे, अनहाइजेनिक वो माहौल में रह रहे होंगे, और 5-6 महीने या बड़ी मुश्किल से उन्होंने गुजारा होगा। उनके पेरेंट्स रोज उनपे प्रेशर क्रिएट करते होंगे 2-3 महीने के बाद कि आजा भाई, हमारे बस की नहीं है यहाँ पे रखना तुझे, इतना महंगा। वो किन परिस्थितियों में रहा होगा, तो मैं उसकी परिस्थिति को नहीं जानता हूं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टूडेंट सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उसकी मर्जी है। अगर वो इकोनॉमिकली सफिशिएंट है तो बच्चे अपना जमीर मत बेचिए, अगर आप इकोनॉमिकली सफिशिएंट नहीं है और आप कमाना चाह रहे हैं इस चीज से, कोई बुरा नहीं है, कमाइए, लेकिन ये जो गंदपना फैला रहे हैं वो मत करिए। दूसरी चीज ये कि इस बात से हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा कि मुझसे टॉप 10 रैंक में बच्चे पढ़े हैं या सारे या नहीं पढ़े, इस बात से क्या फर्क पड़ेगा? क्या जो बच्चा मेरे सामने बैठा है, जो पेपर देने जाएगा, या जो मुझसे अभी पढ़ रहा है, या किसी इंस्टीट्यूट से या किसी टीचर से पढ़ रहा है, क्या वो इस बात से खुश होगा कि इनसे टॉप 10 रैंक पढ़े हुए हैं और हमेशा इन्हीं के रैंक टॉप रैंकर आते हैं?
इस बात से पढ़ने आता है ना, वो इस बात से पढ़ने आता है कि अगर ये अच्छा पढ़ाएगा तो हम पढ़ेंगे, वरना भैया औकात रोड पे सबकी लेके आ जाएंगे हम लोग। तो अच्छा पढ़ने के लिए आप आते हैं और हम अच्छा पढ़ाने के लिए आते हैं। हमसे कहां कमी रहती है, वो लोग आप फेसबुक पे गालियां बक्के हमें बताते रहते हो बहुत सारे। तो अभी हमारा जो मेन एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि पेपर आने लग रहा है और इस फालतू की भसड़ में ना घुसो, इधर उधर की फेसबुक पे मत जाओ। इतनी तो फर्जी आईडी बना रखी है कि कुछ भी बोलेंगे ये तो साले ऊपर आके पढ़ने लग जाते हैं सारे के सारे। मतलब कोई कहीं का हो कुछ भी लिखने लग जाते हैं यहाँ पे। नैतिकता नाम की चीज खत्म कर दी कुछ लोगों ने, इतना फेसबुक पे वाहियात गंद बना दिया है कि आप कुछ भी कर रहे हो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है यहाँ पे। किसी के करेक्टर पे उठा दो उंगली, अगर कोई आपके अनुसार चल रहा है तो वो सही टीचर है, आपके अनुसार नहीं चला तो वो गद्दार है, वो पैसे में बिका, वो करेक्टर लेस है, फलाना है दिखड़ा है। मतलब माँ बहन एक कर दी तुमने टीचर कम्युनिटी की यहाँ पे। मतलब क्या समझाएं बच्चों, अब आपसे रिक्वेस्ट ये है आप इस माहौल में सिर्फ पढ़ो, टीचर जिससे आप पढ़ने आए उससे पढ़ो, उसके अलावा किसी चीज पे ध्यान मत दो। अगर मुझसे या किसी टीचर से कोई रैंकर पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहेगा या क्या होगा, उससे आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कोई टॉप रैंकर आपका एग्जाम नहीं देने वाला है, या उसके कहने से कोई टीचर आपको सवाल नहीं बताने वाला है। टीचर जो उसकी कैपेबिलिटी है उतना बताएगा, अपनी तरफ से ईमानदारी से बताएगा, परिस्थितियों के हिसाब से टीचर में कमी होती है वो सुधार भी करता है, चीजें सही करता है। और मेरा एक ही सुझाव है कि जो भी ये क्लेम करते हैं फेसबुक वगैरह पे, एक बार बस उनसे आप ये पूछिए कि सर टीचर मैडम जो भी हैं, कि सर कितने बच्चे पूरे साल में आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं? शायद हिसाब से मेरे हिसाब से 5 लाख। सिलेक्शन कितने होते हैं सर? 1500। सर बाकियों का क्या होगा? उन बाकियों का भी तो एक बार बताइए, मतलब कमी हम में है, उन बच्चों में है, किस में है? अगर कमी उन बच्चों में है तो जो टॉप रैंकर है वो काबिलियत भी उन्हीं में, हम में नहीं है, इसलिए हम उन पे क्लेम नहीं कर सकते और ना हमें करना चाहिए। भगवान उन बच्चों को आगे बढ़ाए, वो खुश रहे, अपने मेहनत करें, आगे यूपीएससी के लिए टारगेट तैयार करें, और आपको जैसा ठीक लगता है अपनी पोस्ट को बेचना ठीक लगता है बेचिए, नहीं बेचना ठीक लगता है मत बेचिए, आपकी पर्सनल वो प्रॉपर्टी है वो रैंक, अपने मजे लीजिए लाइफ के, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब इस लेवल पे ये चीजें आ गई है कि आपकी रैंक की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। आप मार्केट में आके ये कह देंगे कि मैं राकेश यादव सर से पढ़ाऊं या मैं फलाना सर से पढ़ाऊं, मैं लाल किताब से पढ़ाऊं, सब झूठ है वो चीजें, क्योंकि मार्केट में इतना गंद फैला दिया गया है कि उन चीजों का कोई स्थान नहीं है। अब बात ये आती है कि भाषण सब देते हैं, भाषण मैं भी आज आपको दे रहा हूं कि ये गलत है, हम करते क्या है इन चीजों के लिए? तो ये सही प्रश्न है कि हम करते क्या है, तो मैं इसका जवाब आपको 10 दिन में दूंगा। और लगभग 20 अगस्त के आसपास मैं एक ऐसी व्यवस्था लेके आऊंगा कि आप लोगों को फ्री में कुछ बच्चों को कोचिंग दे, और वहां पे हम जितने एडमिशन लेंगे और इसका बिल्कुल भी कोई गलत मायनों में अर्थ ना ले, मैं पैरामाउंट में पढ़ा रहा हूं, पैरामाउंट में ही पढ़ाऊंगा, मेंस भी पैरामाउंट से ही मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मुझे सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट लगता है पढ़ाने में, मैं अपना वहां पढ़ा रहा हूं, मैंने कुछ समय केडी कैंपस पढ़ाया, मेरे लिए वो भी बहुत अच्छा है, तो मैं पैरामाउंट में ही पढ़ूंगा। लेकिन मेरी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस गंदपने को देख के रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझ में और ज्यादा जागृत हुई है कि कुछ नहीं तो 100-200 बच्चों का हम कुछ बैच बनाए और वो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग लेंगे, जिस दिन वो हमारे पास एडमिशन लेंगे उस दिन हम उनका पूरा रिकॉर्ड बच्चों को दिखाएंगे कि हम इन 100 बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका लेंगे। और ये व्यवस्था मैं तैयार कर रहा हूँ, लगभग 20 अगस्त के आसपास ये व्यवस्था हम आपके सामने मैं लेके आऊंगा, पर्सनल अपने खर्चे पे लेके आऊंगा, कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोल रहा हूँ, किसी इंस्टीट्यूट के नाम से नहीं आएगा, कुछ पब्लिकेशन के नाम से नहीं, हमने बहुत कमाया है, आप लोग बच्चों के पैसों से ही हमने कमाया है, ये इंस्टीट्यूट करोड़ों रुपए कमाते हैं बच्चों, तो कमाया सबने बहुत कुछ है। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मार्केट है ये 1,00,000 करोड़ रुपए की एजुकेशन मार्केट है जिसमें आप लोग बैठे हुए हैं। आप लोग सीटें बेच देते हैं 5-10 लाख रुपए में, वो इनके लिए कुछ नहीं है, सेकंडों की कमाई है इन इंस्टीट्यूट ओनर्स के लिए। तो मैं इस व्यवस्था को हम लेके आ रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि कुछ लोग इसमें मदद करें, नहीं भी करें तो मैं अपनी पॉकेट से इस व्यवस्था को तैयार करेंगे, और हम 100 जितने बच्चे मैं अपनी व्यवस्था तैयार कर पाऊंगा कोशिश करेंगे कि मिनिमम हम 100 बच्चे लें, और ये गारंटी होगी कि वो 100 बच्चे टॉप रैंकर्स होंगे, एटलीस्ट मैथ की फील्ड में टॉप रैंकर्स होंगे, और इस गंदपने को नेक्स्ट ईयर के लिए धो दिया जाएगा कि ये जो टॉप रैंकर्स को लेके बवाल मचा रखा है फालतू का। तो बच्चों आप पढ़ो,
मैं इस व्यवस्था के लिए आज से लग रहा हूँ। इन चीजों को जब मैंने देखा तो बड़ा दिल दुखता है कि कोई बच्चा किसी दिन कह रहा था सारा क्रेडिट उनको राकेश यादव सर को जाता है, अगले दिन कह देता है कि वो उसको जाता है, उससे पहले दिन कह देता है वो उसको जाता है। अरे यार क्या ड्रामे मचा के इंस्टीट्यूट वालों, छोड़ो इन चीजों को, बच्चे को जो ठीक लगे वो कर दो। अगर यहाँ पे सारे रैंकर आगे खड़े हो जाएं और कह दें कि जी हम तो इन टीचर से पढ़े, तो भैया उससे किस टीचर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंस्टीट्यूट की सेहत पे फर्क पड़ता होगा, टीचर की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग मेहनत करके पढ़ाते आए हैं, पढ़ाते रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे, सिलेक्शन देते आए हैं, सिलेक्शन देते हैं और सिलेक्शन देते रहेंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने लाल किताब ना पढ़ी हो। और मैं किसी भी एंगल से किसी, तो आप लोग अपने मस्त रहिए।